हरिओम, मेरा नाम हेमावीरा देसाई, मैं जुहू में रहती हूँ। बापू के पास मैं कैसे आई, इसके लिए एक थोड़ी सी बात आप सुनो। मैं हर गुरुवार को पार्ला ईस्ट के साईं बाबा के मंदिर में जाती थी और बचपन से बाबा और गायत्री माता, उनकी भक्ति हमारे घर में चलती थी, तो छोट बचपन से ही मेरी भी यही भक्ति थी। तो वहाँ पर मैं और मेरी कज़िन सिस्टर एक दिन वहाँ गए और ऐसे बातचीत चल रही थी, तो वो लोग ने बैंड्रा में दाभोलकर जी का, हेमाडपंत जी का घर है, ऐसा बोला। हम लोग साई सच्चरित्र नियमित से पढ़ते थे, तो हमें बहुत कौतुक हुआ हमको जानने की कि अरे उनका घर कहाँ है, हमें ज़रूर जाना है। फिर उन्होंने एड्रेस दिया और हम बैंड्रा साई निवास में पहुँचे। साई निवास में गए तो देखा, सब बाबा का दर्शन किया, हेमाडपंत जी का भी फोटो था, उनका भी दर्शन किया। और फिर वहाँ पे जो वो घर में जो थे, वो मीनाताई और अप्पा साहेब, उन्होंने हमें बोला कि आप बैठो और सुनो थोड़ी बात, हम जो कुछ बताते हैं। तो हमने सब दर्शन करके बाद में पूछा कि अरे ये सारे घर में बाबा के साथ साथ में ये मूछ वाला ये आदमी कौन है, वो उसका फ़ोटो भी आपने रखा है, आपका क्या लगते है वो? फिर उन्होंने बताया ये हमारे सद्गुरु है और उन्होंने बापू के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दी और एक विशेष अंक दिया जो गुजराती में वो टाइम में पब्लिश हुआ था, तो वो भी पढ़ा। और फिर हमें, फिर मुझे ऐसा लगा कि उनसे कुछ ज़्यादा पूछे, बोला बापू को कहाँ मिल सकते हैं? अरे हर गुरुवार को स्वामी समर्थ व्यायाम मंदिर में बापू का प्रवचन होता है, वहाँ पर आप लोग आओ। मेरी सिस्टर तो सूरत रहती थी, मैं बम्बई रहती थी, तो मैंने और मेरे भाचा, मेरे भाई का बेटा, हम लोग ने हर गुरुवार को उस श्री स्वामी समर्थ व्यायाम मंदिर में जाना शुरू किया। मराठी इतनी कुछ समझती नहीं थी, फिर भी बापू के प्रवचन सुनने को, जैसे गुरुवार सुबह होती थी तो ऐसा दिल करता था, जैसे मैग्नेट जैसा एक आकर्षण होता था कि आज शाम को जाना है, प्रवचन सुनना है। वो ऐसे हर गुरुवार को मैंने जाना शुरू कर दिया 1997 जून महीने से। फिर वहाँ दो तीन महीने के बाद में अनाउंसमेंट हुई कि बापू कलकोट तीर्थ यात्रा पे रस यात्रा लेके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये क्या तीर्थ यात्रा, रस यात्रा क्या है? तो बोले कि नहीं, पहले ऐसे शिरडी जाके आए, बापू यात्रा नहीं बोलते हैं, उनको रस यात्रा बोलते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा कभी जा रहे थे? बोले 10th, 11th, 12th, ऐसे सितंबर 1997 का वो टाइम था। तो आप लोग आएंगे? तो मैंने मेरी बहन को फ़ोन किया, तो वो तो इमीडिएटली उन्होंने हाँ बोल दिया कि मैं तो ज़रूर आऊँगी अक्कलकोट। फिर मेरा जो भाचा था, मेरे भाई का बेटा, उसने भी बोल दिया कि नहीं मैं भी जाऊँगा अक्कलकोट। फिर मुझे पूछा वो लोग ने कि तू क्या कर रही है, तू आने वाली है कि नहीं? मैं बोले नहीं मैं आऊँगी, मेरा दिल तो बहुत है लेकिन घर में पूछना पड़ेगा। मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा तो मेरे हस्बैंड ने तो बहुत आराम से बता दिया कि तू तो हर गुरुवार को प्रवचन में भी जाती है, तेरी सिस्टर जाती है, भाचा जाता है, तो तू भी, तू अगर तेरा दिल है तो तू भी जा। तो मैंने सोचा कि नहीं मैं ज़रूर जाऊंगी। तो हम तीनों का पैसा मैंने भरा और फिर हम लोग बापू के साथ अक्कलकोट रस यात्रा में बापू के साथ शामिल हो गए। वो बाकी का जो जून से सितंबर का ये टाइम था, वो मैं बापू के फोटो घर में थे, बापू की भक्ति करती थी सब, लेकिन रस यात्रा पे निकलने के पहले मैंने बापू का बोला कि बापू सब लोग आपको भगवान बोलते हैं, सद्गुरु बोलते हैं, लेकिन मैं, आप तो मनुष्य रूप में हो, मैं कैसे आपको भगवान मानूँ और सद्गुरु मतलब क्या, मैं सद्गुरु क्या कैसे मानूँ आपको? तो फिर आप ऐसा करना बापू कि अभी आप ये रस यात्रा जो ले जा रहे हो तो वहाँ पर मुझे कुछ बहुत अच्छा, कुछ आनंददायक, सुखद अनुभव कराना कि जिससे मेरी श्रद्धा बढ़े और मुझे भी ऐसी खात्री हो जाए कि बापू भगवान है। तो फिर हम लोग निकले रात को, फिर अक्कलकोट पहुँचे तो अक्कल करीब वो टाइम में 150 आदमी थे हम लोग टोटल। तो हमारे साथ एक पार्ला का एक कपल था, एजेड थे वो लोग, सुनीता चित्रे और पद्माकर चित्रे, हम लोग उसको काका और काकी बोलते थे। अक्कलकोट पहुंचने के बाद ऐसा लगा जैसे अक्कलकोट उतरे तो कि ये तो एक वैसे एकदम गांव जैसा है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि ये तो बहुत कुछ पहचाना पहचानी जगह लगती है, हम लोग कभी वहाँ गए नहीं, फिर भी ऐसी फीलिंग होती थी कि हाँ आ गए करके। तो फिर बस यही दिमाग में चलता था और फिर दूसरे दिन से बापू का सब जो सत्संग का कार्यक्रम था वो शुरू हुआ।
सत्संग कार्यक्रम होने के बाद में एक बड़े हॉल में बापूजी ऊपर स्टेज पे बैठे थे और सब सत्संग पूजा सब कुछ होने के बाद में बापूजी ने बताया कि अभी जिसको जाना है दर्शन के लिए सब लोग अभी जा सकते हैं और दर्शन करके फिर खाने के टाइम पे यहाँ हॉल में सब लोग को आ जाना है। मैं, मेरी सिस्टर और सुनीता काकी वैसे सब लोग थे, हम तो दोनों मराठी इतनी जानते भी नहीं थे और किसी को पहचानते भी नहीं थे। तो वो सुनीता चित्रे यानी चित्रे काकी ने हमको बताया कि चलो आप लोग मेरे साथ चलो, हम लोग साथ में जाएंगे। तो हमने बोला हाँ बहुत अच्छा, वो थोड़ी गुजराती भी बोलती थी तो हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो ये अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी हो गई है। फिर उनके साथ हम लोग भी, सब लोग जाते थे दर्शन को, हम लोग भी दर्शन को जाने के निकले श्री स्वामी समर्थ के मठ में। इसके पहले हम लोगों को श्री स्वामी समर्थ क्या है, कौन है, उसके फ़ोटो भी इतने नहीं देखे थे। साई निवास में शायद गए थे हम लोग, इसीलिए देखा होगा, फिर भी मालूम नहीं था स्वामी समर्थ कौन है। फिर हम लोग अंदर बाहर से, मठ के बाहर ही खड़े थे और अभी सब लोग अंदर जाते थे, बाहर से ऐसा नमस्कार तो किया मंदिर के कलश को जैसे करते हैं वैसे। तो बाहर सब लोग मांगने वाले लोग की बहुत बड़ी लाइन लगी थी और सब लोग मांग रहे थे। तो इतने में हम लोग ने देखा कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी उम्र की वृद्धा स्त्री खड़ी थी। उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी और रेड कलर का ब्लाउज था। उसके कपाल पे बहुत बड़ा कुमकुम का तिलक था और हाथ में एक डंडा था, मतलब बहुत ही वृद्धा थी वो। तो हमने बोला कि चलो, सब लोग वहाँ कुछ 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 देते थे मांगने वाले को, तो उसने हमको देखा, हमने उसे देखा, तो हमने बोला चलो हम उसको कुछ देंगे दक्षिणा, फिर अंदर जाएंगे मठ के अंदर। तो हम लोग ने पाकिट खोला, मैंने खोला, मेरी बहन ने खोला और चित्र काकी ने खोला। तो पाकिट खोल के मैंने भी इसका नोट निकाला, वो लोग ने भी ऐसी ऐसी नोट निकाले। जैसे नोट निकाल के हम लोग हाथ आगे करके उसको देने के लिए गए तो वो पीछे हट गई, बहुत पीछे, मतलब 8-10 कदम पीछे हट गई। बोले मेरे पैसा माला पैसे नको, माला पैसे नको, मराठी में बोली, माला पैसे नको, माला पैसे नको। मग चित्रे काकी मराठी जानती थी, उसने बोला कि काय नाही, पण तुम्ही ज्ञान आते सांगते की नाही, तुम्ही लोग आधी पहिला दर्शन करो अंदर जाके। तो हमने बोला कि नहीं, वैसे तो हम लोग ने दर्शन किया है, हमारे सद्गुरु के साथ आए थे, अभी का बाकी है तो अभी बाद में जाएंगे। तो बोले कि नहीं नहीं, आप अक्कलकोट में पहले दर्शन करो, फिर अक्कलकोट में भी घूमो, अक्कलकोट में बहुत कुछ अच्छा अच्छा देखने लायक है। फिर भी हमने उससे बहुत आग्रह किया कि नहीं, अभी आप यहाँ ही मिले हैं तो आप लो हमसे दक्षिणा के रूप में लो। तो बोला कि नहीं, मैं पैसा घेणार नहीं, मला पैसे नको। तर फिर तो चित्र काकी ने बोला, तो आपको हम तो कुछ लाए नहीं हैं, आपको क्या चाहिए? तो बोले कि माला माजे पेड़े पाइजे। अगर वो बोले होते कि मुझे पेड़ा दो, बर्फ़ी दो, तो हम ऐसे समझते थे कि वह मांगने वाले लोग बम्बई से और सब बाहर गाँव से जो लोग आते हैं दर्शन करने, उनके पास मांगते होंगे ऐसा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला ये दो, उसने ऐसा पूछा कि मेरे पेड़े कहाँ है, मुझे मेरे पेड़े चाहिए। तो हम लोग को आश्चर्य होगा, मैं, मेरी बहन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर चित्रे काकी ने आंखों से इशारा किया और हमको साइड में ले गए और बोले कि अरे बहुत बड़ी एक भूल हो गई है मुझसे। हमने बोला कि क्या क्या हो गया, ये पेड़े क्यों ऐसे हक के साथ बोल रहे हैं, ऐसे अपना जैसा राइट है उसका, ऐसे कि मुझे मेरे पेड़े पाइजे। तो बोले कि अरे क्या हुआ कि अक्कलकोट रियास यात्रा का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पैसा भर के मैं बड़ोड़ा मेरी सिस्टर के वहाँ गई थी, तो वहाँ पर मैंने बड़ोड़ा में वो मिठाई वाला की दुकान पास गई थी। तो वहाँ से मैंने ऐसा सोचा कि चलो अक्कलकोट जाना है तो खाली हाथ नहीं जाऊँगी, स्वामी समर्थ के लिए कुछ प्रसाद लेके जाऊँगी। तो मैंने पेंडे का पैकेट लिया था, वो पेंडा मैं बम्बई से यहाँ लेके भी आई, लेकिन हम लोग जहाँ ठहरे हैं वहाँ पर वे पैकेट भूल गई और हम लोग वहाँ से सीधे यहाँ आ गए। तो अभी क्या करना, हम लोग ऐसे साइड में खड़े इतनी बातें कर रहे थे। और फिर मैं और मेरी बहन ने ऐसा सोचा कि चलो ना, कुछ नहीं, कुछ करते हैं हम लोग। तो उसने बाद में, मैंने जहाँ हम लोग पहले वो वृद्धा के पास खड़े थे
खाली चार पांच कदम का ही अंतर था, हम लोग वहाँ देखे तो कोई नहीं था। तो मैंने हम लोग ने बोला चित्र काकी को, इतने पेंडे मांगे, पेंडे जाने लेने के लिए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वो है ही नहीं। तो बोले नहीं नहीं पूछते हैं, वो तो बहुत छोटा गांव है, इधर उधर कुछ इधर कुछ गए होंगे। तो उसके साथ में जो जो लोग जो मांगने वाले खड़े थे वो लोग को हमने पूछा कि यहाँ पर जो औरत थी, जो वृद्धा स्त्री थी, ग्रीन साड़ी पहनी हुई और हाथ में डंडा लेके हुई, वो कहाँ थी? अभी पाँच मिनट भी नहीं हुई है, पाँच मिनट के पहले तो वो यहाँ थी, अभी कहाँ गई? तो बोले कि नहीं नहीं ऐसा तो कोई है ही नहीं, यहाँ कोई स्त्री खड़ी ही नहीं थी, कोई वृद्धा। हमने बोला नहीं नहीं हमने तो उनसे बात की है, कितनी बात सारी हमारी उनसे हुई है, उसने हमसे पेंडे मांगे है। और तो बोले कि नहीं नहीं आपको कुछ गलतफहमी हुई है, कोई स्त्री यहाँ पर पहले से ही खड़ी नहीं है और हमें मालूम नहीं है। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि तो ये इतने टाइम में गई कहाँ? तो मैं बोला कि अक्कलकोट तो बहुत छोटा गांव है, ये सामने एक दो गली दिखती थी। मेरी सिस्टर बोले तू ये गली में जा, मैं सामने की गली में जाती हूँ, देखते हैं आजू बाजू में कहाँ होंगे ना, तो उसको ठहरने को बोलते हैं और फिर जहाँ ठहरे थे वहाँ से पेडे ला के उसको देते हैं। चित्रे काकी का तो बहुत, उसका तो ऐसा हो गया था दिल कि अरे मांगा ऐसे पेंडे और अपने पास पेंडे नहीं, और वो वृद्धा भी नहीं दिखाई दे रही है। तो उसके मन में तो चालू हो गया था कि नहीं कुछ कुछ है, हम लोग के मन में ऐसा कुछ नहीं आया कि क्या है क्या नहीं। फिर बाद में हम लोग भी सोच में पड़ गए, मैं और मेरी बहन कितना कितना गली में चल के आए तो दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने बताया मेरी सिस्टर को कि देखो वो तो इतनी वृद्धा थी, हाथ में डंडा था, इतनी जल्दी चल के वो कहाँ जा ही नहीं सकती है, वो यहाँ ही कहाँ ही, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दी। तो फिर हमने, हमारे साथ में दूसरे भी सब श्रद्धावान लोग बापू के साथ जो आए थे वो लोग भी थे, बोले कि हाँ हाँ हमको भी तो आप जो बोलते हैं सब समझ में आया, आप बापू को जाके बोलो। तो चित्रे काकी ने तो पहले ही डिसाइड कर दिया था, बोले हेमा माया चलो हम लोग अभी बापू के पास ही सीधे जाएंगे और बापू को ही पूछेंगे कि ये है क्या। तो फिर हम जैसे दौड़ते दौड़ते, हम लोग समझो कि मठ से जहाँ पर वो हॉल में बापू बैठे थे वहाँ दौड़ते दौड़ते गए। वैसे आनंद भी बहुत था कि कुछ ना तो कुछ है वहाँ पर। तो फिर बोले कि चलो बापू को पूछेंगे तो बराबर पता चलेगा क्या है करके। तो फिर हम लोग गए, जैसे हॉल के अंदर एंटर हुए और चित्रे काकी ने मराठी में बापू को ऐसा एकदम शॉर्ट में बताया कि ऐसा ऐसे गए, वो उसने मांगा लेकिन वो मिले नहीं। तो बापू फिर मेरे और मेरी सिस्टर के सामने दिख के हंसे और बोले कि जो आपने देखा वो सत्य था। तो सत्य क्या? तो चित्रे काकी ने बताया कि ये कोई नहीं था, वृद्धा के रूप में श्री स्वामी समर्थी थे, आप लोग को सुखद अनुभव चाहिए था, आप लोग नए थे, देखो बापू ने आपको बताया। तो फिर बापू ने बाद में ऐसा बोला कि सुनीता चित्रे काकी को बोला कि देखो अभी पेंडे जाओ, आप लोग सब जाके वहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ से पैकेट लो और पैकेट लेके मंदिर में मठ में जाओ और स्वामी समर्थ को अर्पण करके बाद में आओ। तो फिर हम सब लोग फिर वहाँ गए जहाँ हम ठहरे थे, वहाँ से पेंडा का पैकेट लिया, स्वामी समर्थ का दर्शन किया। वो टाइम में फर्स्ट टाइम हमने स्वामी समर्थ का बड़ा फोटो दिखा। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, मैं उससे बड़ी हूँ, गुजराती में बड़ी सिस्टर को मोटी बहन बोलते हैं, तो उसने बोला अरे मोटी अगर ये फोटो को हम चश्मा पहना दे तो वो वृद्धा स्त्री जैसी दिखती थी वैसे ही ये दिखते हैं, देख अपने को अभी कितनी साबिती और चाहिए, ये कोई नहीं ये श्री स्वामी समर्थी थे। और वो दिन था 11th सितंबर मेरी मैरिज एनिवर्सरी का डे था। मेरे 28 इयर्स की मैरिड लाइफ में ये मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी, जब भी मैं मेरे हस्बैंड के साथ नहीं थी, लेकिन मुझे वो ऐसा कुछ वो गम भी नहीं और वो भी नहीं आया, क्योंकि बापू ने मुझे ये बहुत बड़ी गिफ्ट मेरी मैरिज एनिवर्सरी के दिन दी थी, और वो श्री स्वामी समर्थ के दर्शन। उसके स्वामी समर्थ के दर्शन से खुश इसीलिए थे कि जब भी अक्कलकोट गए तो मैं और मेरी बहन बाहर खड़े थे, जहाँ उतरे थे तो वहाँ पर दादा और बापू दोनों खड़े थे। बापू ने मुझे और मेरी बहन को पूछा हेमा माया कैसा लगा, हम बोला बापू बहुत अच्छा, बहुत जाना पहचाना लगता है। फिर बापू ने बताया कि आप लोग जहाँ आए हैं वो ये श्री स्वामी समर्थ कौन है मालूम है आपको? मैं बोला हमको तो कुछ मालूम नहीं बापू, हमने कभी देखे ही नहीं है, फ़ोटो भी नहीं देखे, कुछ सुना भी नहीं है।
तो वो आपके साई बाबा के गुरु है। तभी बहुत आनंद हुआ कि अरे बाबा के गुरु, इनके दर्शन, बहुत बड़ी आनंद की बात थी। ये मेरा प्रथम अनुभव बापू के साथ अक्कलकोट में हुआ था। अभी मैं मेरा दूसरा अनुभव आपको बता रही हूँ, वो है 1999 में मेरे बेटे के साथ बना हुआ। मेरा बेटा 1999 में अपने ऑस्ट्रेलिया से अपना बीएस करके आया था। हम लोग को आने के पहले ही बताया था कि तू तेरा एमएस वहाँ पर ही कर ले, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। तो बोला कि नहीं, यहाँ कोई स्कोप नहीं दिखता है, मैं अमेरिका जाना, मुझे अमेरिका जाना है, क्योंकि उनके कोई फ्रेंड्स भी वहाँ एमएस कर रहे थे। उसका नेव्यू, मेरा नेव्यू, उसका कज़िन भी वहाँ पर था, मेरा भाई भी अमेरिका में था। तो उसने बोला कि नहीं, मैं अमेरिका जाके ही एमएस करूँगा, इसके लिए मैं अभी इंडिया वापस आता हूँ, जो प्रोसीजर करना है वो सब करूँगा, और फिर मेरा एमएस तो मैं अमेरिका में ही करूँगा। ठीक है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तेरा अगर तेरी मर्जी, अगर एमएस अमेरिका में करनी है तो वहाँ पर कर तू। तो वो आया इंडिया। अभी एमएस करने के अमेरिका में वीज़ा और एडमिशन के लिए फर्स्ट टॉफल का एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो टॉफल के एग्ज़ाम तूने उसने दिया, वो पढ़ने में बहुत स्कॉलर था, तो उसका बहुत मतलब बहुत उसने अच्छा उसमें गुण प्राप्त किए, बहुत हाई स्कोर आया उसका। तो बहुत खुश था कि मेरे लिए अभी डिफ़िकल्ट नहीं है अमेरिका जाना। तो फिर हमने बोला ठीक है, तेरी बाकी जो तैयारी करनी है वो कर, पहले तो वीज़ा तो आना चाहिए। तो फिर अप्लाई किया, तो वीज़ा की जो डेट थी, उस वीज़ा के दिन वो लोग को साथ में अपना पासपोर्ट और अपना और ओरिजिनल टॉफिल के मार्क्स की जो कॉपी होती है, सर्टिफिकेट होता है, वो साथ में मस्ट होता है, वो ले जाना ही पड़ता है। और साथ में जो कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स और जो कुछ वो लोग को चाहिए वो सब, वो तो सब बताया, वो सब हमने तैयार कर दिया। लेकिन टॉफिल का पेपर बराबर उसका जो दिन का वीज़ा का इंटरव्यू था उसके अगले दिन से घर में मिल ही नहीं रहा था। बहुत अपसेट था, बहुत नर्वस था। मुझे भी, मैंने भी बापू को, बस अक्कलकोट जाके आए उसके बाद में बापू की मेरी भक्ति तो चालू ही थी। तो मैंने बापू को बहुत प्रार्थना की, बापू ये क्या, ये मेरे बेटे का फ्यूचर का क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसको जाना है, उसको कुछ करना है, आपने सब कुछ, आप में आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा ठीक चल रहा है बापू मेरे लाइफ में। तो अभी ये अगले दिन, और जो पेपर मस्ट है फाइल में सबसे ऊपर रखना जरूरी है, और वही वो लोग देखते हैं अमेरिकन कॉन्सुलेट में, वही पेपर नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड बहुत गर्म दिमाग के, तो बोले कि अगर तू, तेरा पेपर भी नहीं, उसको अगर बताते थे तो बोलता था कि तू अगर टॉफिल का पेपर नहीं संभाल सकता है तो तेरी जात को अमेरिका में कैसे संभालेगा। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि पापा को कुछ बताना नहीं है, देख मैं बापू को सब बोलती हूँ और तू भी बापू को प्रेयर कर। तो बोले कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ, वो जब ही कॉलेज में 11th 12th में जब ही था मिठीबाई में, तो बोले कि मम्मी मैंने कुछ गलतियाँ की है लाइफ में, वो तो कुछ रीज़न नहीं होगा, ऐसा कैसे हो गया कि अगले दिन, कल मेरा इंटरव्यू है और आज ही ऐसा हो गया, तो मैं क्या करूँ अभी। तो मैंने बोला देख, अभी हर गुरुवार को मैं जाती हूँ, मैं सेवा देती थी वो टाइम में हरिगुरुग्राम में। तो मैंने बोला कि देख, अभी बापू आजकल वहाँ पर सबकी चिट्ठियाँ लेते हैं, बापू लेते नहीं है, वहाँ पर वो बैग्स होते हैं, वहाँ पर सब लोग डालते हैं, तू कन्फेस करके एक लेटर लिख दे बापू को, भले तेरा इंटरव्यू कल है, तू अभी कन्फेस करेगा तो बापू को तो अभी का अभी सब पता चल जाएगा कि क्या तुझे क्या लिखना है, मुझे भी नहीं पढ़ना है, किसी को नहीं जानना है, तू लिख। उसने फिर शाम को अपने जो वीज़ा के पेपर्स और सब प्रॉपर्टी पेपर्स, जो सब उस अपना पासपोर्ट, जो सब उसकी फाइल रेडी थी, उसके लिए कवरिंग लेटर बनाना था, तो वो कंप्यूटर पर बैठ के अपना कंप्यूटर अपना कवरिंग लेटर बना रहा था। वही टाइम में उसने एक लेटर, कन्फेस का लेटर, उसकी कुछ गलती थी जो कुछ थी, वो लेटर भी उसने लिख के घड़ी करके कवर में रख के मुझे दे दिया। मैंने बोला अच्छा, अभी मैं गुरुवार को ये डाल दूंगी वहाँ जाके हरिगुरुग्राम में। तो फिर बोले कि अच्छा मम्मी, तो अभी मुझे क्या करूँ मम्मी, अभी पापा को बताना ही चाहिए, क्योंकि ये पेपर के सिवा वीज़ा
एकदम इम्पॉसिबल है, टोटल इम्पॉसिबल है। मैं बोला कुछ नहीं, जाना क्या करेंगे। बोले अरे वो लोग फाइल फेंक देते हैं अगर ऊपर पेपर नहीं देखेंगे तो। मैं बोले कुछ नहीं, फेंक देना तो तू वापस फिर आना, फिर से प्रोसीजर करना, फिर टॉफेल में तू तेरी एग्ज़ाम देना। तो फिर उसने बताया कि ठीक है मम्मी, चल तू इतना बोलती है ना तो मैं जाता हूँ और मेरा इंटरव्यू ज़रूर दे के आऊँगा। मम्मी एक काम, वो तू ये करना कि तू बस मंदिर के सामने बैठ के रात भर तू सोना नहीं, तू बापू को प्रेयर करना कि मेरा कैसा भी करके मुझे वीज़ा मिल जाए। देख मम्मी इम्पॉसिबल तो है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुझे बापू में बहुत श्रद्धा विश्वास है, तो बापू को मेरी तरफ से भी इतनी प्रेयर करना। मैं बोला तो तू भी तो प्रेयर कर बापू को, मुझे बोलता है तो। ते बोले नहीं, मैंने बापू को सब ये कन्फेस करके लिखा है और मैं मन सामर्थ्यदाता ओम मन सामर्थ्यदाता श्री अनिरुद्धाय नमः वो तो मैं बोलते ही रहूँगा, लेकिन तू आज सोना नहीं प्लीज़ मम्मी तू। तो फिर मैंने बोला ठीक है। ऐसी हमारी दोनों की बात में ही रात को 1:30-2 बज गए। फिर वो अंदर रूम में गया और मैं मंदिर के सामने ही बैठ के बापू को बोली कि बापू देखो ये बच्चे की फ्यूचर का सवाल है, आपको तो सब मालूम है, मुझे आप में बहुत विश्वास है और मैं आपको मेरे ही सद्गुरु मानती हूँ अभी बापू, तो आप सहाय करना उसको। तो फिर दूसरे दिन सुबह में जल्दी उठे, वहाँ पे तो 8:30 अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर लाइन लगानी पड़ती है, लोग 5 से लाइन में खड़े रहते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी। मैंने बोला मैं तेरे साथ, क्योंकि बच्चा नर्वस था, पेपर गुम हो गया था, मिल नहीं रहा था, मैं भी बहुत नर्वस थी। मैं बोले मैं तेरे साथ आती हूँ, तो बोले नहीं नहीं तू मेरे साथ नहीं आना मम्मी, तू आएगी तो मैं ज़्यादा नर्वस हो जाऊँगा। तो मैं बोला ठीक है बच्चा, मैं बोला बापू देखो बच्चा अकेले खुद ड्राइव करके जा रहा है, पेपर है ही नहीं, नर्वस है, आप उसको संभाल लेना बापू, मैं आपको मेरे सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ। तो फिर वो घर से निकला, जब से मैं भी नहा धो के 8 से ही मंदिर के सामने बैठ गई। वो वहाँ पहुँचा तो 8:30 वहाँ पे एक आधा पौना घंटा की लिमिट होती है, जो लाइन में खड़े हुए वो सब लोग को अंदर 9 के पहले सबको ले लेते हैं, अंदर लेने के बाद सबको बैठने को बोलते हैं और टोकन दे देते हैं। तो मेरा बेटा भी टाइम पर पहुँचा था तो उसको भी अंदर ले लिया और टोकन भी दे दिया उसको। तो फिर वो बैठा था, वो मतलब बाद में टोकन में ऐसा नहीं है जो पहले गए उसको पहला, दूसरे गए दूसरा, ऐसा नहीं, किसी को भी रैंडम बुलाते हैं वो लोग। तो फर्स्ट ही मेरे बेटे का टोकन में वो लोग ने नाम अनाउंस किया, तो वो अंदर गया, तो अंदर गया और उसको लगा कि अब भी फाइल मुझे दे देंगे, लेकिन उसने देखा तो फाइल खोले, पासपोर्ट देखा और ऐसा वैसा फाइल को ऊपर नीचे पेपर किए और कॉन्ग्रेचुलेशंस करके उसको बोला बैठो, तुम्हारे पासपोर्ट के ऊपर अभी स्टैंप मार के देते हैं, आपको 3 के वीज़ा ग्रांट किया है, अभी 2 MS के होते हैं लेकिन उसको 3 के वीज़ा दिया। अभी ये सब 9 से 9:10 के अंदर ये सब प्रोसीजर वहाँ पर हुआ। 9:10 को घर पे लैंडलाइन पे जब भी फ़ोन की घंटी बजी तो मैं बोले अरे 9 तो कॉन्सुलेट ऑफिस खुलती है, प्रोसीजर चालू होता है। 9:10 को ये आ गया तो 100% उसको अंदर लिया ही नहीं क्योंकि ऊपर पेपर ही नहीं था। तो उसने बोला कि मम्मी मुझे वीज़ा मिल गए, तो मैं और मेरे मिस्टर इतने खुश हो गए। मैं तो सीधा जाके मंदिर में बापू को साष्टांग प्रणाम किया और बापू को मैंने बोला कि बापू ये आपने ही किया है, दूसरे कोई ये कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो टाइम में ये एक सब एक सुवाक्य हम सब बोलते थे कि अशक्य को शक्य करने वाले बापू है। तो ये मेरे बेटे में तो संपूर्ण अशक्य था, वो बापू ने पूर्ण शक्य करके बताया, खूब आनंद था। बेटा भी आके बोला कि मम्मी बहुत खुश हूँ, बापू ने ही अपना ये काम किया है। फिर जाने के पहले वो सब बापू का दर्शन करने को आया, अभी भी अमेरिका में उसको 15-16 हो गए हैं, कभी कुछ होता है तो सीधा बापू का ही नाम बोलते हैं। और मेरा तो ये सब होने के बाद में लाइफ में बहुत ही कुछ हुआ, बहुत उतार चढ़ाव, संकट, प्रॉब्लम, बहुत ही कुछ आए, लेकिन हर टाइम एक दिल के अंदर इतना दृढ़ विश्वास था बापू के प्रति कि बापू दादा आई है ना तो सब में से हम निकल जाने वाले हैं। और मैं सच्चे आपको बताती हूँ, ऐसी एक एक घटना घटी हुई है कि इसमें से निकलना मुझे मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल लगता था, मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरी लाइफ का एंड ही है, लेकिन आज भी बापू आई और दादा के प्यार कृपा से आशीर्वाद से सब मेरी
लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अमेरिका में मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सब बापू के कृपा आशीर्वाद प्यार से ही है। इसलिए नित्य नित्य सुबह शाम बापू को प्रार्थना करती हूँ, बापू आप दादा और आई हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहना, हमें कभी भी आप छोड़ना नहीं। हम आदमी हैं, कब भूल हो जाती है तो सीधे मार्ग पे हमको लाना, लेकिन छोड़ना नहीं बापू। और सबसे बापू की संपूर्ण कृपा मेरे पे और मेरे परिवार पे रही है। हरिओम, मैं अम्बज्ञा है।